अभी हम आए हैं, इसका छोटा छोटा किधर किधर डिफेक्ट है, स्नाग है, वो सभी थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। दोस्तों पहले जो बिल्डिंग हम काम किया था ये उसका यूपीएस रूम है, इसके भी कुछ वीडियो हम आपको दिखा चुका है, और इसका फाइनल स्टेज में कुछ इसी प्रकार का होता है। मैं भी ट्रे का वर्क दिखाएगा और केबल ड्रेसिंग होने का बाद वो कैसा टाइप का दिखता है उसका फुटेज हम नहीं दिखाया था। तो इस वीडियो में हम जस्ट फाइनल स्टेज में कैसा टाइप का यूपीएस रूम रहता है वो वीडियो दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों पहले ये जो ट्रे डाला गया था और हम सिर्फ इसमें ये जो नीचे वाला ट्रे दिखता है और ये यूपीएस का पैनल है, यहाँ पर दो यूपीएस है, एक बड़ा है एक छोटा है, उसका केबी केबी कुछ 250 केबी का एक है, 120 केबी का एक है, इसके बारे में अलग बात करेंगे। लेकिन हम आज आए हैं थोड़ा कुछ स्नाग निकला था, स्नाग क्लियर करने के लिए आया है। ओके तो ये ड्रेसिंग होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखता है, तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी बिल्डिंग का जो फ्लोर को आउट गोइंग गया है, ठीक है, ये इधर से इस रास्ता दे के ऐसे शाफ्ट में ऊपर गया है। इसका केबल ट्रे का मैं वर्क दिखा चुका है जो केबल पुलिंग हो रहा था। ये दोस्तों पूरा फाइनल होने के बाद कुछ इसी कंडीशन में यही ट्रे का काम केबल जब खींचा जा रहा था, ये देख सकते हैं यही ट्रे है, एक वो साइड ये दूसरा साइड है। ओके और ये सभी आके यहाँ से आउटपुट जाता है सभी फ्लोर को। ये जो आइसोलेटर होता है यहाँ से स्टार्ट होता है यूपीएस का लिंक, जो ये रॉ पावर है, इनकमर देख सकते हैं, मोटी वाली केबल शायद 300 का होगा, देखने से पता चल गएगा, ये 300 में से आया है इनकमर। इधर से क्या होता है यूपीएस का आता है, ठीक है, यूपीएस से आने का बाद ये आगे में बैटरी को जाता है, फिर उसी सेम केबल में फिर वापस आता है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से क्या होता है ये सभी पैनल को जाता है। ओके ये दोनों पैनल है, पैनल को आने के बाद यहाँ से हर फ्लोर को जाते हैं। फ्लोर में क्या क्या काम होता है, जो यूपीएस का कंप्यूटर टेबल होता है हमारा एम्प्लॉय लोग का, उधर तक जाता है, उनके लिए फिर डीबी ऊपर में बैठाया गया, ये डायरेक्ट डीबी को जाता है। और कुछ जो हब रूम होता है हमारा, सर्वर रूम होता है, सर्वर रूम में भी 4 डीबी बैठाया गया, उधर तक भी ये जाता है। ओके कुछ इस प्रकार का उसका मैकेनिज्म काम करता है। और यहाँ जो इनकमर आता है ये देख सकते हैं कॉपर का और सिंगल कोर का केबल, ये फ्लेक्सिबल केबल होता है, इसीलिए एक ग्लांड देखिए पीवीसी का डाला गया है। ये जो आउटगोइंग होता है ये आर्मर का है और ये 4 कोर का है। ओके सभी पतला पतला केबल, 10 square mm का इधर आउट गोइंग गया है, ये सभी फ्लोर को गया है, यहाँ पर भी फ्लोर को गया है, वो होता है इनकमर पूरा का पूरा। देखिए जितना भी सभी पीवीसी डाला गया है वो सभी इनकमर है, ये सभी आउट गोइंग, उसमें भी कुछ पकड़ा नहीं बोल के यहाँ पर जगह नहीं था इसीलिए वहाँ पर भी आउट गोइंग दे दिया गया है, कुछ इस प्रकार से हुआ है। और ये आइसोलेटर से इधर से देखिए, ये बड़ा आइसोलेटर बोल के यहाँ पर दो दो रन डाला गया, फेज के लिए मतलब आर के लिए 2, ब्लू के लिए 2, येलो के लिए 2 और न्यूट्रल अर्थ। ओके और यहाँ से जो वो साइड को गया है, वो साइड में इसका बैटरी रूम रहता है, और बैटरी रूम भैया को बोलेंगे कि एक्सेस करने के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद वो थोड़ा सा चांस दिए। और यहाँ से वो सभी यूपीएस का केबल जो इधर आया ये रैक को, ओके ये रैक से ये बैटरी को, ये जो परफोरेटेड ट्रे हमारा एक दूसरा दोस्त है वो डाला था।
ये भाई होते हैं मेंटेनेंस यहाँ पर, इन्होंने जो कि फाइंड आउट किया कि यहाँ पर स्नाग है बोल के, और इन्होंने अभी बोलेंगे कि नहीं करेक्ट हो गया तो हम क्लियरेंस हमको मिलेगा। ओके भाई करेक्ट हो गया हाँ बराबर ओके तो हम जा रहे हैं, आज का काम यहाँ पर ख़त्म, बस थैंक यू। दोस्तों देख सकते हैं मैं जो केबल का वीडियो छोड़ा था ऐसे 880, ये फाइनल स्टेज में कुछ इसी कंडीशन में हो गया है। ओके इसी टाइप का बेसमेंट ये है दोस्तों, ये फाइनल होने का बात कुछ इस प्रकार से दिखता है इलेक्ट्रिकल रूम। ये फ्लोर पूरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर भी ऐसा है, मैंने इसका वीडियो शायद आपको दिखाया था। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग का, और अभी जो एक्चुअली काम चल रहा है ये बिल्डिंग, ये पहले हम काम कर लिया और ये वाला अभी चल रहा है।